आनंद शर्मा, आशा कुमारी, रजनी पाटिल और हरीश रावत को भी WC में शामिल करने पर सोलन जिला कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। इस मौके पर सोलन जिला कांग्रेस के प्रवक्ता अमन सेठी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस में पहाड़ी प्रदेशों के नेताओं को तवज्जो दी जा रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत होगी। अधिक जानकारी देते हुए सोलन जिला कांग्रेस के प्रवक्ता अमन सेठी ने कहा कि आनंद शर्मा, आशा कुमारी, रजनी पाटिल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी WC में शामिल किया गया है, जिससे कांग्रेस में खुशी की लहर देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि CWC में पहाड़ी राज्यों के नेताओं को तवज्जो देने से पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और आने वाले चुनावों में ये सभी सीटों पर विजय हासिल कर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनता देखेंगी। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने पहाड़ी राज्य से इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हमारे पहाड़ी राज्य की अपने श्रीमती रजनी पाटिल जी, उनको जो CWC मेंबर बनाया है और साथ ही पहाड़ी राज्य से आशा कुमारी जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज हैं पंजाब की, उनको भी CWC मेंबर बनाया है। हमारे जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे आनंद शर्मा जी, उनको भी CWC मेंबर बनाया है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी राज्य में जो कांग्रेस है अब बहुत ही मजबूती से उभरेगी और उनका धन्यवाद है कि साथ लगते जो राज्य हैं उत्तराखंड से भी उन्होंने जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत जी को, उनको भी CWC मेंबर बनाया। तो राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं जो ये तवज्जो दी गई है पहाड़ी राज्य को, तो इससे आने वाले 2019 के जो लोकसभा के चुनाव है उसमें पहाड़ी राज्यों में हम कांग्रेस बहुत मजबूती से उभरेगी और कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है वो कांग्रेस पार्टी को बहुत मिलेगा जो उन्होंने सीनियर लीडर्स को जो तरजीह दी है पहाड़ी राज्यों की। और हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि इस बारी 2019 के इलेक्शनों में कि जितनी भी पहाड़ी राज्यों की सीटें हैं हमारी राहुल गांधी जी की झोली में जाकर उनको भव्य प्रधानमंत्री बनाएंगे।